नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कौन नहीं चाहता कि भाई हमारा वजन कम हो जाए, हम जरा अच्छे लगे। और सिर्फ अच्छे लगने या सुंदर लगने तक की बात नहीं है, ओबेसिटी एक ऐसा डीमन है जो अपने साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है। जब आपकी चर्बी बढ़ जाती है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अनेकानेक समस्याएं आ जाती हैं ओबेसिटी के साथ। लेकिन क्या हम अपने शरीर का वेट लॉस योगाभ्यास से कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अधिक ऑक्सीजन अपने शरीर को देते हैं, जिसको आजकल तो ऑक्सीजन थेरेपी के रूप में हम इंजेक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर तो आप ऑक्सीजन को नेचुरली लेते हैं, जिससे आपके फैट मॉलिक्यूल्स बर्न होते हैं। हालांकि वेट लॉस एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर बॉडी के पार्ट के लिए भी हम अलग अलग करते हैं, फिर आपकी शारीरिक अवस्था क्या है उसके अनुसार अभ्यास लेते हैं। लेकिन आज एक जनरल वेट लॉस की दो प्रैक्टिसेस लेते हैं जो आपके वजन को घटाने में, ओवरऑल बॉडी के वजन को घटाने में काम करेगी। लेकिन वो जानने से पहले कुछ छोटे छोटे से टिप्स जरूर समझते जाइए। पहली चीज, अगर आप सचमुच ऑर्गेनिकली वजन घटाना चाहते हैं, शाम को 7 बजे के बाद कुछ मत खाइए, यानी 7 बजे तक डिनर कर लीजिए। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि एक सूत्र आता है कि हमको अपनी भूख से आधा भोजन करना है, यानी हमारा जो टमी है वो 1/4 पानी से भरना चाहिए, 1/4 जगह हमें हवा के लिए छोड़नी चाहिए और आधा पेट हमें भोजन करना चाहिए। हवा नहीं छोड़ते तो हवा छोड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। यानी इतना स्पेस अपने पेट में जरूर छोड़ें कि वायु अपने अपना काम कर सके। और अब जानते हैं दो बहुत सरल सी भारत योग की प्रैक्टिसेस जो आपका वजन घटाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। पहला अभ्यास है विरेचन गति। ये भारत योग की बहुत विशेष गति है जिसमें हम अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाते हैं और हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। निरापद प्रैक्टिस है। एड़ी पंजे मिला लेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे, सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। जब प्रेशर के साथ फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे, शरीर में गर्माहट आएगी, आपका फैट बर्न होगा और मनोवह नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रेशर से मन भी नियंत्रण में आएगा। कैसे करना है इसे देख लीजिए। ऐसा आप 50-50 के 4 राउंड्स कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है और आपकी कमर में दर्द नहीं है तो आप इसे जंप के साथ भी कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए एक बार। और फिर जब 50 बार हो जाए, पैरों को खोल लीजिए, 3 बार डीप ब्रीदिंग करना, फिर अगला राउंड शुरू कर दीजिए। ये आसान सा काम आप प्रतिदिन कर सकते हैं। दूसरी चीज है हृदय गति, जिसको हम सरल भाषा में इंजन दौड़ भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंजन चल रहा हो। तो उसके लिए हमने बायां हाथ मुट्ठी बना ली, बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, दायां हाथ फोल्ड और दायां ही पैर फोल्ड। सांस भरते हुए हमें पोजिशन चेंज करनी, यानी हमने सांस भरा, छोड़ते हुए पोजीशन चेंज कर दी, फिर दूसरी ओर। धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। ऐसा भी आप 50-50 के 2 राउंड से शुरू कीजिए, 4 तक ले जाइए, फिर शरीर को ढीला छोड़कर लंबा गहरा सांस लेना। ये दो प्रैक्टिसेस अगर आप प्रतिदिन करते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप कम समय में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, फैट को गुड बाय कह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद।